स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऐसे जीडी का कट ऑफ 2023 आफ्टर आंसर की के बाद नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या रहेगा, क्या फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या हम बच्चे फिजिकली तैयारी करें या नहीं करें, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि इसमें आपको रैंक आईक्यू डाटा बताऊंगा, अगर आपने रैंक आईक्यू से डाटा चेक कर लिया है तो आपके लिए सबसे यहाँ पे आसान रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। 2023 में आपके 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 46 हजार समथिंग आपकी वैकेंसी है, 4.5 लाख से समथिंग बच्चों को यहाँ फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, 4.5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे कैंडिडेट को फिजिकली बुलाया जा सकता है। इसे फिजिकल के लिए कॉम्पिटिशन आपका जो है 13 या 12 स्टूडेंट पर एक का कॉम्पिटिशन निकल के आता है, मतलब 12 बच्चों पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस कट ऑफ के जानने के बाद आपको पता लग जाएगा। स्टेट वाइज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जो फाइनल कंपटीशन है वो 119% पर एक का सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है लेकिन फिजिकल के लिए कॉम्पिटिशन आपका सबसे ज्यादा तगड़ा रहेगा। अगर आपने अभी तक रैंक आईक्यू के मार्क्स चेक नहीं की तो रैंक आईक्यू के मार्क्स चेक कर लीजिए, क्योंकि रैंक आईक्यू के जो मार्क्स है उससे उसमें जो डाटा आएगा वो हम लेने वाले हैं कुछ दिन बाद, जिससे आपको पता लग सके कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों कितना रैंक आ रहा है, कितना नॉर्मलेशन होगा, कितना नॉर्मलेशन लेस होगा, वो सारी चीजें आपको रैंक आईक्यू के माध्यम से पता लग जाएगी। अभी तक चेक नहीं किया चेक कर लीजिए, बच्चे का देख सकते हैं, ये बच्चा एससी कैटेगरी का, इसका टोटल यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स 78 देखने को मिला, नेगेटिव मार्क्स 7.5 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टोटल मार्क्स 70.50 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज बच्चा राजस्थान का है। यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखें। एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल ऐसा आता कि सब बच्चों ने यहाँ पे 50 से 55, 60 के बीच अटेम्प्ट करे थे क्वेश्चन, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आंसर की देखने के बाद उनके मार्क्स जो है घट के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी नॉर्मलेशन का ही बताऊंगा, वीडियो कंप्लीट देखना। तो देखिए 70 से 80 की भी देख सकते हैं, 15% बोल रहे कि 70 से 80 के बीच है, 100 से 120 में 41% बोल रहे कि हमारे जो मार्क्स है वो 100 से 120 के बीच ही आ रहे हैं। आफ्टर आंसर के इसमें कम से कम हमें 2.8 के वोट हमें देखने को मिल गए थे इस चीज में, 100 से 120 के अराउंड, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे ऐसी जीडी आफ्टर आंसर की राजस्थान स्टेट, जो बच्चे राजस्थान स्टेट से हैं उसमें यहाँ पे हमें 9.2 के वोट दिखने मिले थे राजस्थान स्टेट से, तो 100 से 110 के भी 44% है। और कमेंट भी किए थे सर हमारे मार्क्स 115 है, हमारे मार्क्स 120 है, क्या हमारा फाइनल हो पाएगा, क्या हमें बीएसए पोस्ट मिलेगी, क्या हमें सीआईपीएफ पोस्ट मिलेगी, तो ये बच्चे में पूछे भी थे। कई बच्चों के मार्क्स राजस्थान स्टेट में अच्छे भी आ रहे हैं, कई बच्चों के मार्क्स कम भी आ रहे हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल का आप कट ऑफ खुद ही देख सकते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, 90 से 100 के बीच अधिकतर बच्चों के मार्क्स है, जिसको मिड जोन में हमें रखा गया, 43% बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से हमारे जो मार्क्स है 90 से 100 के बीच हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आफ्टर आंसर की राइट क्वेश्चन का एवरेज हमने बनाया था, कि हमने ये जो जो 10,000 स्टूडेंट बेस पर था, ये चीज 10,000 स्टूडेंट बेस पर आधारित था कि एवरेज बच्चों के जो मार्क्स है कहीं ना कहीं इस चीज में इतना इतना देखने को मिल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया था, एक वीडियो बनाया था जो उसमें मैं बता दिया था। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मलेशन का कट ऑफ बताऊँ, नॉर्मलेशन आपका किस पे डिपेंड करेगा, क्या नॉर्मलेशन आपका नेगेटिव में भी हो सकता है या पॉजिटिव में ही होगा, नॉर्मलेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितना आपको बोनस मिलेगा। तो देखो हाई जोन ही कट ऑफ में, जैसे मैंने यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, ये इनको मैंने रखा गया है। मिड जोन में मैंने जैसे गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, यूके, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इनको रखा गया मैंने। लो जोन कट ऑफ में त्रिपुरा, दादर, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर को रखा गया है। अब इनका कट ऑफ क्या रहेगा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं नॉर्मलेशन की बात बताऊंगा। देखो जो भी अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा रॉय स्कोर, ठीक है। अभी लेकिन नॉर्मलेशन का रोल ऐसा रहेगा कि फ्रेंड देखो आपकी जो नॉर्मलेशन में मान के चले कि 5 से 6 नंबर आपके नॉर्मलेशन बढ़ने की आशा है, क्योंकि देखिए जो पेपर होता है ना एसएससी का वो पहले इजी, उसके बाद धीरे 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 जो पैटर्न चलता है एसएससी का वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है एसएससी का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं 5 से 6 नंबर का, अगर हार्ड से हार्ड शिफ्ट रहेगा, मोडरेट शिफ्ट रहेगा, तो 5 से 6 नंबर का नॉर्मलेशन हमें देखने को मिलेगा। अब मैं यूं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल कई बच्चों को नेगेटिव नॉर्मलेशन भी देखने को मिला था, मतलब मार्क्स बच्चों के घट गए थे। क्यों घटे थे? क्योंकि उनका पेपर इजी आया था, और जिन बच्चों का पेपर मॉडरेट हार्ड लेवल में देखने में तो उनके मार्क्स 5 से 6 नंबर बढ़ गए थे। अगर इस बार नॉमिनेशन होता है या तो सबका नॉमिनेशन होगा, या अगर नॉमिनेशन अगर हार्ड शिफ्ट का होता है तो ये मान के जो इजी शिफ्ट है, जो इन सबसे इजी लो, जो इजी लो शिफ्ट है, उनका यहाँ पे माइनस में नेगेटिव नॉमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, उनके मार्क्स घट सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए 5 से 6 अगर हार्ड शिफ्ट है ये सुनिश्चित कर ले कि आपका नॉमिनेशन होने वाला है।
अब मैं कट ऑफ बताता हूँ, मैं जब वो हाई जोन ही कट ऑफ अगर बात करूँ फ्रेंड जनरल का, मेरे हिसाब से जो हाई जोन में यूपी राजस्थान इनको रखा है मैंने बिहार, उनमें 108 से 115 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अभी से ही आज से ही आपको फिजिक की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओबीसी में 90-98, 70-78, एससी एसटी का 65-72 के अराउंड रह सकता है। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कट ऑफ आपका जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि देखो अभी आपकी जो कट ऑफ है वो नॉमिनेशन बढ़ेगी, अभी आपके बहुत सारे फैक्टर्स वो आपके बढ़ेंगे वो चीज, ठीक है। अभी कहना मुश्किल, जैसे ही रैंक आएगा डाटा आएगा और भी कोई डाटा हमें मिल जाने तो एक बार, उसके बाद हम कंप्लीट बताएंगे कि कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं। फीमेल का इतना जा सकता है। अब बात करता हूं मिड जोन का, मिड जोन में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 90-95 के अराउंड, ओबीसी का 70-85, 65-72, 60-65 के अराउंड आपका रह सकता है। फीमेल का आप खुद ही देख सकते हो। लो जोन ही कट ऑफ की बात, लो जोन में जैसे आपका यहाँ पे पांडुचेरी सिक्किम वगैरह आ जाता है तो यूआर का 55-60 के अराउंड कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, इतना लगभग आपका कट ऑफ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ देखो फिजिकल में आपके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर इन 24 में जो मेल कैंडिडेट है 5 किलोमीटर आपको दौड़ना 24 मिनट के अंदर अंदर दौड़ना है। तो दौड़ अगर आप नहीं पाए तो जितना ही अंबर नंबर लिया हो लेकिन कोई मतलब नहीं, फिजिकल आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर फीमेल का 8.5 मिनट्स में आपको दौड़ना है। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए चेस्ट वगैरह का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब चीज लिखा गया है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपकी जो हाइट है यहाँ पे देख सकते हो, मेल कैंडिडेट जनरल एससी ओबीसी का यहाँ पे 170 मेल का होना चाहिए, फीमेल का 157 करीबन सेंटीमीटर करीबन होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट से कुछ चीजें जिसको आपको फॉलो करना है, फुलफिल आपको करना है, तभी आप नौकरी ले पाओगे। अब मैं बताता हूँ फाइनल के लिए कितना जा सकता है। फाइनल के लिए क्या ये रहेगा, अगर आपका फिजिकल के लिए यहाँ पे चयन हो जाता है, जैसे मान लीजिए 95 नंबर पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिजिकल के लिए, अगर आप फिजिकल क्रैक कर जाते हो डेफिनेटली आपके चांस है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो बीएसए पोस्ट मिल जाएगी, सीआरपीएफ पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, या लास्ट में एसएसएफ पोस्ट मिल जाएगी, तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो टेंशन की आवश्यकता नहीं, फिजिकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकली तैयारी कर लीजिए मेरे भाई की सलाह मानते हैं तो, और